हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पिरेशन आईएएस। दिस इज़ रचित समयाल। तो गाइस, आज हम आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान के स्टेटमेंट पर बेस्ड है। तो रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर उन्हें ब्लैक लिस्ट करता है तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर काफ़ी कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट पड़ सकते हैं। तो गाइस, ये जो टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो गाइस आए, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि एफएटीएफ है क्या। तो एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका गठन 1989 में पेरिस में हुआ था ड्यूरिंग दी G7 समिट। देखिए, G7 दुनिया की 7 एडवांस कंट्रीज़ का ग्रुप है, जिसमें USA, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, जापान, इस तरह की कंट्रीज इसके पार्ट हैं। तो इसका जो सेक्रेटरेट है ये OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर जो पेरिस में है, वहीं पे इसका सेक्रेटरेट लोकेटेड है। और एट प्रेजेंट FATF के प्रेसिडेंट डेट इज मार्कस प्लियर्स एट प्रेजेंट FATF के प्रेसिडेंट हैं। एंड ये जो FATF है इसमें 39 मेंबर्स हैं, जिसमें इंडिया और चाइना भी पार्ट है। एंड इस 39 मेंबर्स में से 37 आर द सोवरेन कंट्रीज एंड 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन एंड गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो गाइस, ये FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका गठन किस ऑब्जेक्टिव की वजह से हुआ था? तो गाइस, FATF ये कुछ स्टैंडर्ड सेट करता है, कुछ मेजर्स फॉर्मुलेट करता है ताकि दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ और ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को थ्रेटन करे, उन थ्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को सेट करते हैं। FATF के थ्रू दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करना। तो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज़, टेरर फाइनेंसिंग जैसी एक्टिविटीज़ और किसी अन्य थ्रेट जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम की इंटीग्रिटी को थ्रेटन कर सकता है, इन सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ये FATF स्टैंडर्ड्स और मेजर्स को अडॉप्ट करते हैं और इनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं थ्रू द सोवरेन मेंबर। तो गाइस, FATF काम कैसे करता है? देखिए, FATF की हर साल मीटिंग होती है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाता है कि क्या कंट्रीज़ मेजर्स अडॉप्ट कर रहे हैं टू टैकल मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम्स, टू टैकल टेरर फाइनेंसिंग प्रॉब्लम और किसी और तरह की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम पे किसी और तरह की थ्रेट के रिगार्डिंग क्या कंट्रीज़ काम कर रही हैं या नहीं। तो अगर कोई कंट्री आइडेंटिफाई की जाती है कि ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको थ्रेटन कर सकते हैं, तो इन कंट्रीज़ को पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड कर दिया जाता है। तो देखिए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में 2 तरह की लिस्ट हैं, एक है ग्रे लिस्ट और सेकंड है ब्लैक लिस्ट। तो ग्रे लिस्ट वो कंट्रीज़ हैं जिनको माना जाता है कि हो सकता है कि ये टेरर फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकती हैं। और जिस कंट्री को ग्रे लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है, उन कंट्रीज़ पे ऐसा कोई भी एक्शन नहीं होता है। बस ये ग्रे लिस्ट में ऐड करने का मतलब है, ये इनको एक तरह का वार्निंग है कि अगर ये एक्शंस लेके इस मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग जैसे एक्टिविटीज को अगर कंट्रोल कर पाए तो इनके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर कंट्रीज फिर भी अपना सपोर्ट इन टेरर एक्टिविटीज और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को अगर कंटिन्यू करने में देते हैं तो इन ग्रे लिस्टेड कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। तो ब्लैक लिस्ट कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जिनको नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ कहा जाता है। ये कंट्रीज़ को माना जाता है कि ये कंट्रीज़ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और जब भी किसी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है तो दुनिया में जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम्स हैं वो इस कंट्री के साथ अगर कोई डील चल रही है या डील कोई हो चुकी है तो इन सब डील्स को स्क्रैप कर देते हैं। तो कंट्री का जो इंटरनेशनल सिस्टम के साथ, इन फाइनेंशियल सिस्टम के साथ जो भी
डील होंगी वो सारी डील नल एंड वॉइड हो जाएंगी। तो इससे किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा जो ब्लैक लिस्टेड हुई होगी। तो एट प्रेजेंट पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है। तो पाकिस्तान को एक वार्निंग इशू की गई थी कि वो अपने यहाँ पे जो इंडिया की तरफ से एलिगेशन लगती हैं कि ये नार्को टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है पाकिस्तान, और ये इन सब फंडिंग का इस्तेमाल इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम और कश्मीर डिस्प्यूट को एग्जैजरेट करने के लिए कर रहा है। इसी बेसिस पे पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है। तो अभी रिसेंटली अगस्त 2020 में ये डिसाइड किया जाना था कि क्या पाकिस्तान ने अपनी ये ग्रे लिस्ट के स्टेटस पे कोई काम किया है या नहीं। और अगर पाकिस्तान ये बट कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये मीटिंग हो नहीं पाई, जिसकी वजह से अब इस डिसीजन को पेंडिंग रखा गया है टिल फर्दर मीटिंग। तो फर्दर मीटिंग में ये देखा जाएगा क्या पाकिस्तान ने कोई एक्शन लिए हैं इसके अगेंस्ट या नहीं। और अगर पाकिस्तान ने कोई एक्शन नहीं लिए होंगे तो पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट होने के चांसेज हैं, जो खुद मिस्टर इमरान खान जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। तो गाइस रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे होगा, और पाकिस्तान की जो करेंसी है दैट इज़ पाकिस्तानी रुपी, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैसिव फॉल देखने को मिलेगा। तो ये दोनों इवेंट्स पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक हो सकते हैं। देखिए एट प्रेजेंट अगर आपको मैं बताऊं, पाकिस्तान ग्रे लिस्टेड है और पाकिस्तान के साथ और डिफरेंट कंट्रीज जैसे अल्बानिया, बारबेडोस, ये कंट्रीज हैं जो ब्लैक ग्रे लिस्टेड है। बट राइट नाउ देर आर ओनली टू कंट्रीज विच आर ब्लैक लिस्टेड, एक है दैट इज़ नॉर्थ कोरिया एंड दूसरा है ईरान। ये दोनों ब्लैक लिस्टेड हैं क्योंकि ये माना जाता है ये कंट्रीज टेरर एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो पाकिस्तान अगर इसमें इंक्लूड होता है तो पाकिस्तान विल बिकम द थर्ड कंट्री टू बी ब्लैक लिस्टेड। अब देखिए ब्लैक लिस्टेड होने का मतलब ये नहीं है कि कंट्री पूरी थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो इसी लिस्ट में रहेगा, नहीं। अगर कंट्री मेजर अडॉप्ट करते हैं टू कंट्रोल दिस प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के इन एक्टिविटीज़ को अगर रोकते हैं अपनी टेरिटरी में, तो कंट्री का जो स्टेटस है उसको ब्लैक लिस्ट से हटाया जा सकता है। तो देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कहा है कि अगर उनको इंक्लूड किया जाता है तो उनके वहाँ पे इन्फ्लेशन और उनका जो रुपी है वो मैसिव फॉल करेगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर किसी कंट्री को ब्लैक लिस्टेड किया जाता है, अगर पाकिस्तान ये स्पेकुलेशन लगा रहा है कि अगर उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाता है तो दुनिया का कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, लाइक वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स बैंक, ये कोई भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेगा। तो अगर ये पाकिस्तान के साथ डील नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फॉरेक्स की कमी होने वाली है, फॉरेन एक्सचेंज की कमी होगी, जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के लिए कैटास्ट्रोफिक हो सकता है। बिकॉज हर कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है उसको फॉरेक्स की ज़रूरत रहती है ताकि वो जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो उसको परचेज कर सके इंटरनेशनल मार्केट से। देखिए एसेंशियल कमोडिटीज़ हर कंट्री के लिए आज के टाइम पर ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये जब ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी को परचेज किया जाता है तो इसके लिए ये फॉरेन करेंसी में पे करते हैं। तो अगर पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान ना ही लोन के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से ना ही उसको लोन मिल पाएगा, ना ही उसका फॉरेक्स इंक्रीज हो पाएगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो अपना फॉरेक्स है वो डिप्लीट होता जाएगा, और इसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और उसकी जो रुपीज़ है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पाकिस्तान क्राइसिस में जा सकते हैं। तो अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कहना है कि FATF ने जो उसको ग्रे लिस्ट किया हुआ है, सिर्फ इसी ग्रे लिस्ट की वजह से पाकिस्तान में सालाना $10 बिलियन का नुकसान हो रहा है। अब देखिए पाकिस्तान को अगर ब्लैक लिस्टेड होने से अपने आप को बचाना है तो पाकिस्तान को अपने यहाँ पे जो एलिगेशन लग रही है पाकिस्तान के ऊपर कि वो नार्को टेरर एक्टिविटीज़ में या टेरर फंडिंग एक्टिविटीज़ में या मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ में जो पाकिस्तान इंडल्ज है और इसका इस्तेमाल वो इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान को इन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अपने वहाँ पे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उन पे क्रैकडाउन करना पड़ेगा, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे, तभी जाके पाकिस्तान अपने आप को इस ब्लैक लिस्टेड होने से बचा सकता है। और अगर पाकिस्तान ये कुछ स्टेप्स उठाते हैं कि वो
टेरर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे और टेररिस्ट को अरेस्ट करेंगे, तो इसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के जो बायलैटरल रिलेशन जो काफ़ी लो हैं, तो इन बायलैटरल रिलेशन में इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हो सकते हैं। और ये जो बायलैटरल रिलेशंस में जो इम्प्रूवमेंट होगी, ये दोनों कंट्रीज़ के लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, क्योंकि आज दोनों कंट्रीज़ का जो लॉन्ग टर्म, दोनों कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट डेफिसिट है, और इसी ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दोनों कंट्रीज़ के जो बजट का कुछ मेजर पार्ट है वो डिफेंस की तरफ जा रहा है। तो अगर दोनों कंट्रीज, अगर पाकिस्तान इसके ऊपर स्टेप उठाता है, तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट कम होगा, एक दूसरे के प्रति क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पीस एंड हार्मनी का माहौल होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, एंड जो पीस एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो मेंटेन होगा, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बायलैटरल रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड और दोनों कंट्रीज़ में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ेगा, तो हमारा जो कल्चरल टाइज है एक दूसरे का बढ़ेंगे, जो लॉन्ग टर्म में दोनों कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच, एंड गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर करें, एंड साथ में हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें।